अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज का व्लॉग करते हैं शुरू यहाँ से। हमारे लिए एक प्रेजेंट आया है। जैसे आपको पता, हम लोग नए घर में हैं तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज। एक असली पौधा था। फर्स्ट वन भी सौ मिल गया, बस ऐसे कोई बुके वगैरह होगा, बट जब क्लोजली देखा हो तो इट वॉज़ अ रियल प्लांट। इसके साथ ही स्टैंड वगैरह है सारा। ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग डब्बा बह रख के बैठे हैं बिकॉज वी वर अबाउट टू लीव फॉर अवर ओल्ड प्लेस। लेकिन फिर पापा आ गए प्रेजेंट लेकर, उनको जो दे कर गए थे। तो फिर हम लोग इसको सेट करने लग गए, पहले किसको रख के तो फिर ही जाते हैं। अभी इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्टिल वी हैवन टुक आउट दिस रैप एंड रिबन आउट ऑफ इट। इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है पापा का और यू नो दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस। और इसको भी जो मैं खोलूँगी ना तो आपको दिखा दूँगी। इट्स एन इंडोर प्लांट एंड यू नो हाउ मच माई मॉम लव प्लांट्स। और इसके बाद हम लोग अपार्टमेंट पे गए थे, कुछ काम वगैरह खत्म करके आ गए। हम लोगों ने चाय पी, हलवा वगैरह खाया और पर्दे आपको दिखे हैं ना खोल के रखे हैं कि आज हम लोगों ने फाइनली पर्दे लगा देने हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले सबकी यू नो खाने की फरमाइश ही नहीं थी, तब मोरी किसी को हलवा चाहिए किसी को चाय। तो फिर फाइनल हम लोग चाय वगैरह पी कर, और ये हम लोगों ने स्टेप ऑन मंगवाया था वर्क प्लेस से बाइक को भेज के, क्योंकि पर्दे ऐसे लग के नहीं रहे थे, कुर्सी को इतनी ऊँची थी नहीं घर पर, सोफे वगैरह भी इतनी ऊंचे नहीं थी, रेलिंग्स आपको पता है काफ़ी हाइट पे लगती हैं। मेरे भाई ने, मैंने, पापा ने और मामा ने, हम चारों ने मिलके पर्दे लगा दिए। दिस इज़ व्हाट नो इट लुक्स लाइक नाउ। ये हमारे लिविंग के पर्दे, हम लोगों ने ब्लू थीम डिसाइड की थी इस पर। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये पर्दे हमारे कैसे लग रहे हैं। फाइनली हमारे लिविंग के पर्दे लग चुके हैं सारे। और मैंने जो हेल्प की थी ना माँ पापा की और भाई की, बस ये उनको चीज़ें पास की थी और बाकी सारा काम उनका ही था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टाइम हो चुका है 3:36 तकरीबन, हाँ 3:36। और मैं जा रही हूँ पुराने घर पे, क्योंकि हमारे नए घर पे ना अभी वाईफाई नहीं लगा। ऑर्डर कर दिया, अभी वाईफाई लगते लगते 8-10 दिन लग जाएंगे। तो मुझे वीडियो अपलोड करनी है 4 बजे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम गोइंग टू ओल्ड प्लेस पे। मामा ऑलरेडी वहाँ पर यहाँ भी कुछ काम रहता था अभी भी, वो कर रही हैं। तो मेरा जो घर पर काम था, मैंने सफाई किया, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है तो चलती हूँ साथ में, वापसी मैं और मामा इकट्ठे आ जाएंगे और वीडियो भी अपलोड कराती हूँ। अगर मेरी कोई कुछ चीज़ रह गई वहाँ पे तो भी देख लूँगी एक दफ़ा। और मौसम बहुत ही मज़े का, ऐसे लग रहा है आज बारिश होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग बताएं होगी बारिश के नहीं। और दोस्तों ये रोड नहीं बनी है यहाँ तक ना, ये एक दिन में बनी थी सारी, ये पूरा पीस ना, ये बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे वाली रोड है। आई एम ऑलमोस्ट होम, चल के भी वीडियो अपलोड करते हैं। और वो वाले पहाड़ों की मैं बात कर रही थी कि उन पर स्नो बहुत ही प्यारी पड़ी, और इतना आज गर्मी भी हो गई है थोड़ी सी ना, वैसे मौसम चेंज हो रहा है। 15 मिनट तकरीबन लगे हैं मुझे यहाँ आते आते, लिटरली दिल चाह रहा है कि जैकेट उतार दूँ। धूप निकल आई है, बारिश के नहीं चांसेस बने। टाइम हो गया 4:48 और मैं जा रही हूँ स्टोर पे कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। खाना बना हुआ है घर, लेकिन वो नए घर है तो वो काफ़ी दूर है भाई यहाँ से, तो स्टोर करीब है। कुछ स्नैक्स वगैरह ले आती हूँ जाके मामा और अपने लिए। दोस्तों ये पता नहीं तकरीबन 3-4 साल में जितना भी हमने एप्पल से सामान लिया और सारा ही बीट्स का भी ये सारा हमने कभी फेंका ही नहीं है। सारा मेरे बहन भाइयों का, मेरा, माँ पापा का, एयरपॉड्स, हेडफोन्स, पता नहीं ये डब्बे एक संभालने के क्या है? कुछ फेंके भी हैं जो एंड्रॉयड के थे पता नहीं क्या आप ऑब्सेशन है हमारी कि डिब्बे, मतलब दे लुक सो गुड, अभी इट्स टाइम टू यू नो गेट रिड ऑफ दीज। फोन टूट जाते हैं, डिब्बे नए के नए पड़ जाते हैं। यस, इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दीज बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू यू नो, ऐसा हाल ही जो स्टोरेज की जगह है वो इन चीज़ों से भरनी नहीं है। तो इंशाल्लाह आज मैं ये वाली सारी गोमी निकाल लेंगे। मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन तो कह दिया कि नहीं हमने नहीं निकालना, मेरे कमरे में रख दो, बट फाइनल कॉल इज व्हाट माय मॉम सेज। यस ओ गाइस, ओ ओ आई एम न्यू टू दिस प्लेस, मुझे वो भी नहीं पता हमारे घर की लाइट्स कहाँ से ऑन होती है। तो आज हमारे पास था, लंच में भी है दाल चावल, अरीबा मेरे दाल चावल, पता नहीं चावल आपको बताऊँगी इसकी स्टोरी कभी, फिर दाल चने की दाल इसकी स्टोरी अभी बता देती हैं। नज़र आ गया मुझे हमारे घर नमक था जो वो किसी तरह उसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई, सर्फ वगैरह, गलती से ना वो कोई क्लीनर था, हाँ। स्टोव क्लीनर था एक पाउडर में, तो मामा ने वो नमक के डब्बे में डाल दिया नमक समझ के, तो वो फिगर इट आउट यू नो वेरी अर्ली अल्हम्दुलिल्लाह।
जल्दी मुझे पता था। हाँ जी शुक्र है आपने फिगर आउट कर लिया और वो फेंक दिया फिर वो सारा। आज मुझसे गलती हो गई। हाँ जी ये गलती आपकी ना, डाल रही थी ना तो हाँ मैंने देखा कि ऊपर चूल्हा बना हुआ है और सिंक बना हुआ है। मैंने उसी टाइम वो सारा शॉपर में। हाँ तो फिर ये कॉम्बिनी से लेकर आई थी रीबा, अकेला सॉल्ट नहीं मिला कॉम्बिनी से, तो इसके अंदर भी है ब्लैक पेपर ऑल्स एंड व्हाइट राइस। टेस्ट इतना सही नहीं था ऑनेस्टली, मुझे ये चावल भी मैंने छोड़े हैं, सॉरी फॉर दिस आई लीड लेटर। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया ना जो हमने उस दिन शामी कबाब बना के इनको फ्रीज किया था, ये बनाने लगे हैं साथ और साथ दाल चावल खाने लगे हैं। एंड दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का व्लॉग काफ़ी छोटा है क्योंकि बस थोड़ा बिजी था और ये भी कि वीडियो साथ साथ अपलोड नहीं हो रही, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही एडिट करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज वाईफाई का मैंने आपको बताया ना। आई होप कि हफ्ते के अंदर अंदर भी वाईफाई लग जाएगा हमारा। लेट्स सी, आज की वीडियो वैसे मैंने पुराने घर जाके अपलोड की है, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी वाला व्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।